नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। पूर्णिया पुलिस कप्तान ने शक्ति मलिक हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में 6 से ज़्यादा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उद्भेदन करते हुए पुलिस बताती है कि जो इसका मुख्य आरोपी है, जो पूरा मास्टरमाइंड था इस हत्याकांड के पीछे, उसका नाम आफ्ताब बताया जा रहा है। जिस तरीके से यह मामला तूल पकड़ा था, शक्ति मलिक के जो परिजन हैं वो FIR दर्ज करवाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के यादव के खिलाफ। हालांकि बयान में यह दर्ज कराया जाता है कि जो एक राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले को उठाया गया और बाद में साजिश के तहत इस हत्या का अंजाम किया गया। हालांकि पुलिस यह बता रही है कि हत्या जो है वो पैसे की लेन देन को लेकर है। पैसा का कारोबार करते थे शक्ति मलिक और जो ये आफ्ताब है, इसने भी पैसे लिए थे। समय पर नहीं पैसे देने पे काफ़ी उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था, जिसके कारण अपने 2 साथियों के साथ घर पर जाकर उसका हत्या कर दिया गया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कप्तान। जब उनका कोई आय का स्रोत नहीं है तो घर पे नोट गिनने की मशीन होना और एक वो जो रजिस्टर मिला है जिसके बारे में आप लोगों को दिखाया गया किस प्रकार से उसमें उन्होंने लाखों लाखों रुपए विभिन्न लोगों को दे रखे थे, किस प्रकार से वो पैसों को दे रहे थे, वो अपने आप में जांच करी, किस प्रकार से पूरी घटना कारित करी वो भी बताया। इसके अलावा जैसा इन्होंने बताया शक्ति मलिक के ऊपर कई पूर्व में भी घटनाएँ दर्ज हुई थी, उसमें अपहरण से लेकर के हत्या से लेकर के छेड़खानी के कई मामले शक्ति मलिक के ऊपर दर्ज थे। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया है, तो लगभग 6 विभिन्न मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है लगभग 2012 से ही दर्ज हो रहे थे। 2012 से लेकर अब तक जो है कुल 6 विभिन्न मामले की जानकारी मिली है। और आफ्ताब जो है, आफ्ताब 2013 में डकैती के मामले में कस्बा में और मुफस्सिल थाना में ये जेल गए थे और इनमें से कुछ एक जो अपराधकर्मी हैं सलीम वगैरह, जेल में ही इनकी उन अपराधकर्मियों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद ही ये टच में भी थे। कुछ बाकी जो है जैसा मैंने बताया, ये 4-5 अपराधकर्मी इनका जो जहाँ पे घर है वहीं पे लोकल थे, तो उसके बाद जैसा ये तंग तबाह उससे हो गए थे, उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र और प्लानिंग करके इस प्रकार से इस घटना को कारित किया। और ये पुलिस का कोऑपरेशन करने के लिए भी सामने आए हैं और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी जो बात है वो रखेंगे और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्ण मदद करेंगे। जैसा कि बताया गया कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे। जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया भी, इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इन 7 लोगों ने प्लानिंग करके और कैसे कैसे घटना कारित करी उस बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी अभी बताई भी गई। जिन पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है पूछताछ के क्रम में आफ्ताब ने बताया, क्योंकि जैसा कि उनका मोबाइल भी हम लोगों ने देखा था, तो क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे तो काफ़ी थाना स्तर पे कंटिन्यूसली कई रिकॉर्डिंग मिली हैं जिसमें वो कई केसेस में पैरवी वगैरह करते थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे वो, तो इसी कारण से उनका इस बार क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले थे तो निश्चित रूप से कई पुलिसकर्मियों से वो टच में थे। और जैसा कि मोबाइल के एनालिसिस में आया तो कई कांड में, कई उसमें मुकदमों में पैरवी वगैरह वो थाने में करते थे। अब ये एक जाँच का विषय है कि उसमें पुलिसकर्मी विभिन्न किसी इंटरेस्ट है क्या उनकी मदद कर रहे थे, जैसा वो सब उन बिंदुओं पे हम लोग जांच करेंगे। क्या किसी प्रलोभन के एवज में किसी पुलिसकर्मी ने उनकी किसी कांड में मदद करी है, तो उन बिंदुओं पे हम लोग डेफिनेटली जांच करेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की ऐसी संलिप्तता आती है कि किसी ने अन्य किसी प्रलोभन में किसी भी कांड में शक्ति मलिक की मदद की है या कुछ फ़ायदा पहुँचाया, तो निश्चित रूप से हम लोग ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से जो हत्या का उद्भेदन हो चुका है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस साफ अब कर चुकी है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशनल न्यूज़। नमस्कार।